तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज हमारे पास है ट्राइम की स्पीड 400। तो आज हम इस बाइक को चलाने वाले हैं, चला के देखेंगे जी बाइक है ना आपको कितने चलने में कैसा कंफर्ट देती है, कैसी आपको पावर मिलती है, सब कुछ आपको इसमें चला के दिखाने वाले हैं। क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो फ्रंट में आपको 43mm को USD फोर्क सस्पेंशन मिल जाता है, अपोलो का टायर मिल जाता है, रियर और फ्रंट में डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाती है। तो आज हम इसे चलाएंगे और देखेंगे कि ये जो बाइक है ना आपको कैसा राइडिंग क्वालिटी देती है। तो अगर आप लोग स्पीड 400 को लेने वाले या फिर लेने का प्लान करते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट में हम आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इस बाइक को चला के हमें कैसा फील हुआ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, बाइक को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं बाइक को लेकर राइड करने के लिए और चलाते हैं इस बाइक को थोड़ा सा रोड पे और देखते हैं कि जो बाइक है ना आपको कैसा कंफर्ट देती है। तो गाइस, फाइनली अब हम इस बाइक को चलाने लगे हैं और देखते हैं बाइक को चला के कि इसमें आपको राइडिंग क्वालिटी क्या देखने को मिलती है। तो मौसम आप देख पा रहे होंगे, मौसम मतलब देख रहे हो ना, मौसम तो सुहाना सुहाना और साथ में बाइक भी फाड़ू बोलते हैं ना कि मतलब सोने पे सुहागा। ये हमारा कैब जा रहा है तो गाइस देख पा रहे हो ना, पुलअप जो है ना ये बाइक काफ़ी बेहतरीन पुलअप दे रही है। देख पा रहे हो आप, मतलब फटाक से पुल कर रही है बाइक, बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त पुल कर रही है। और पुल में अगर हम बात करते हैं ना कि मतलब इसको मैंने पुलअप क्यों, मतलब ये जो बाइक है ना, जैसा कि आपको पता है कि ट्रायम इसमें आपको क्या कहते हैं, ट्रायम का ब्रांड है और ट्रायम ये काफ़ी बेहतरीन आपको क्या कहते हैं पावर और बहुत ही बेहतरीन क्या कहते हैं बाइक्स प्रोवाइड करती है। तो इसमें आपको क्या कहते हैं जो पुल मिलता है ना, ये बाइक आपको काफ़ी अच्छा टॉर्क प्रोड्यूस करती है। क्योंकि इसमें आपको मिलता है 40 PS का इसमें आपको पावर मिलता है, जो कि 40 PS जो होता है ना, मतलब 400 CC में काफ़ी बेहतरीन है। तो इस बाइक में आपको पुल जो बाइक करती है ना, वो भी आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। अभी जो बाइक है ना थर्ड गियर में चल रही है और इसका जो देख पा रहे होंगे, अभी थोड़ा बारिश हुआ है तो बाइक को हम भगा नहीं रहे हैं, फिर भी कहते हैं कि बाइक जो है ना आराम से 50-60 चल रही है। और मौसम आप देख पा रहे होंगे, मौसम मतलब औसम बोलते हैं ना, मौसम मतलब औसम, थोड़ी सी बारिश, थोड़ा सा कहते हैं धूप, थोड़ी सी बारिश की बूंदें, ये सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। व्यू देख रहे हो गाइस, थोड़ा सा इसको पुल करते हैं। भाई मतलब बताया ना, मतलब ट्रायम ने इसमें जो काम किया ना भाई, मतलब दिल खुश हो गया। अगर हमें 400 CC की बाइक लेनी है ना, डैम श्योर हम ये मतलब अपनी तरफ से कंफर्म बोलते हैं कि अपन इस मतलब बाइक को लेना प्रेफर करेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी पे, क्योंकि इसमें आपको जो पावर मिलता है वो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रही है। गाइस आप देख पा रहे होंगे जो एग्जॉस्ट साउंड निकल के आ रहा है ना भाई, मतलब अभी हम हेलमेट के अंदर हैं, ये तो
गाइस पता है इसमें सस्पेंशन क्वालिटी इतनी अच्छी है ना, मतलब USD फॉर्क होने के बावजूद इसमें 43mm का सस्पेंशन क्वालिटी मिलता है जो कि आपको USD मिलता है। तो आपको इसमें आपको जो राइडिंग क्वालिटी मिलने वाली है काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलती है। मेरे अकॉर्डिंग जो बाइक है ना, थर्ड गियर पे आप चला लो, फोर्थ गियर पे चला लो, सिक्स्थ गियर पे चला लो, सभी में आपको काफ़ी अच्छी कंफर्ट राइड मिलने वाली है। और यहाँ पे आप लोग इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनिएगा, तो राइड करने में जो इसका सस्पेंशन क्वालिटी है, जो पिकअप मिलता है ना इस बाइक में, आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलती है। जो ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है वो भी आपको डुअल चैनल EBS मिलता है, इसकी वजह से आपको जो राइडिंग क्वालिटी है ना वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो गाइस सस्पेंशन के साथ साथ इस बाइक में आपको जो राइडिंग क्वालिटी मिल रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे क्या व्यू निकाल के आ रहा है। साइड साइड आप देख सकते हैं ग्रीनरी, बीच में रोड, बीच में ट्रायम्फ 400 जो कि है स्पीड 400, गौर करिएगा। इसमें आपको एक स्क्रैम 400X भी आती है, उसकी वीडियो आपको कुछ महीनों बाद देखने को मिलने वाली है। अभी वो बाइक जो है ना अभी हम लोग रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि अभी वो जो बाइक है ना अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुई है। जैसे ही वो बाइक जो है ना ऑफिशियली लॉन्च हो जाती है, आपका भाई आपको वीडियो बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर देगा। आप देख पा रहे होंगे कॉर्नरिंग, देखो आप बस क्या बेहतरीन कॉर्नरिंग मिलता है इसमें। तो गाइज़ अगर आप इसे पता है हाई RPM में भी बहुत ज़्यादा स्पीड में भी राइड करते हैं ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। काफ़ी अच्छी कंट्रोलिंग देखने को मिलने वाली इस बाइक में। तो हैंडलिंग पोस्चर इस बाइक में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल रही है मेरे अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर आप लोग 400cc की बाइक लेना चाहते हैं तो डैम श्योर कि आप लोग को एक बार इस बाइक को राइड करना चाहिए, ठीक है। अगर आप इस बाइक को राइड कर लेते हैं ना, उसके बाद आपको अगर कोई बाइक पसंद आ जाए तो मेरे से कहिएगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे को ये बाइक पहले राउंड में पसंद आ गई है भाई। अब एक बार स्क्रैम का वेट करते हैं, स्क्रैम का भी देख लेते हैं कि स्क्रैम का क्या सीन है। अगर स्क्रैम भी अच्छा खासा देती है आपको, तो अच्छा खासा इसमें भी आपको स्क्रैम भी आपको बहुत ज़्यादा टक्कर देने वाली है।